हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने आलू को कद्दूकस किया है। आज पोटैटो से आप लोग को मैं फेस पैक रेडी करने का बता रही हूँ। ये मैंने नींबू इसमें ऐड कर रही हूँ। देखो मैंने कद्दूकस किया, 1 आलू लिया था, 1 आलू लिया था पोटैटो, और कद्दूकस कर लिया है। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये कद्दूकस करके ये मैं बड़े जार में इसको रख रही हूँ और इसकी जूस मैं निकालूंगी। और इसमें मैंने नींबू ऐड किया है और इतना मस्त फेस पैक रेडी होता है। दोस्तों आज का जो वीडियो है मेरा बिल्कुल अलग है। मैं लास्ट में इसके जो पैक कैसे रेडी होते हैं वो बिल्कुल यूनिक फेस पैक रेडी कर रही हूँ। या बिल्कुल स्किप मत करिएगा। जूस है, इसको एक अच्छे से कपड़े से इसको, इसके जूस को, आलू के जूस को आपको बाहर निकाल लेना है। और कोई भी कॉटन कपड़े होने चाहिए। जैसे फ्रेंड्स मैं ये कॉटन का कपड़ा रुमाल है उससे मैं इसके जूस को बाहर निकालूंगी, आलू के जूस को। फिर देखिए मैं किस तरह से पैक को रेडी कर रही हूँ। वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, ये जो बल्ब है इस पर मैंने ऐसे कपड़ा रख लिया है। और ये जो मैंने कद्दूकस किए थे आलू को, इसको इस कपड़े में मैं डाल के और अच्छे से इसका जूस मैं निकाल लूँगी बाहर कपड़े के सहायता से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैं निचोड़ रही हूँ। अच्छे से निचोड़ हो जाना चाहिए, अच्छे से निकाल लेना है। बहुत अच्छा और इतना यूजफुल ये पैक बनेगा ना कि आप कंटिन्यू यूज करोगे, स्किन पे कंटिन्यू यूज करोगे। आपको पता है कि मैं होममेड प्रोडक्ट बताती रहती हूँ घर में जो हमारा मौजूद। देख सकते हो ये जूस, आई थिंक ये मेरा आलू का जूस निकल गया है। तो फ्रेंड्स ये इसकी जो ये बच गई है, इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और ये जो आलू के जूस है ना फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल आप टच नहीं करोगे। 15 मिनट तक इसको आप ऐसे ही रखोगे। आई थिंक इसको मैं ढक देती हूँ, ढक के इसको 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसका यूज करूँगी, ये आलू के जूस का। हाँ फ्रेंड्स, तो इसको मैं ढक देती हूँ। देख लीजिए ये आलू का जूस है, इसको मैंने ढक दिया। आई थिंक 15 से 20 मिनट तक इसको मैं ढक के रखूँगी, उसके बाद इसका यूज करूँगी। आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा आलू का जो बचा हुआ है उसके, ये तो इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप यहाँ मैं रख लूँगी, इसको मैं रख के इसको आप पकौड़े भी बना सकते हो बेसन में ऐड करके, मगर नो फ्रेंड्स पकौड़े बिल्कुल नहीं। इसको स्कर्व के रूप में यूज करिएगा। इसको क्या करना है कि बस थोड़ा सा ले लेना है क्वांटिटी के अनुसार। इतना सा मैं ले रही हूँ। इसमें मैंने चीनी ऐड करना है, मैं चीनी ऐड करूँगी और अपने स्किन पर रब करूँगी। तब तक मेरा ये स्कर्व तैयार हो जाएगा आलू का। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इतना, अगर आपके पास कूटा हुआ चीनी हो तो बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है कूटा हुआ चीनी, मैं हमेशा रखती हूँ मगर अभी मेरे ख़त्म हो गए, मैं ही बनाऊँगी। तो मैंने आधा स्पून इसमें ऐड किया है चीनी। और ये पोटैटो का जो है उसको, अगर आपको ये लग रहा है बहुत सूखा सूखा है फ्रेंड्स, तो इसमें एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हो। और मैं इसमें कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कच्चा दूध अभी अवेलेबल है। तो मैं, ये बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा मैं 1 चम्मच कच्चा दूध इसमें ऐड करूँगी, तो ये मेरा स्कर्ब बन जाएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं, बस 1 स्पून मैंने इसमें दूध ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो स्कर्ब है, ये जो मैंने अभी आलू का स्कर्ब रेडी किया है, इसमें मैंने शुगर ऐड किया था। आई थिंक ये 5 मिनट हो गए हैं और इसमें मैंने कच्चा दूध ऐड किया है। तो ये स्कर्ब को आप स्किन पे अप्लाई कीजिए, जब तक वो मेरा 15 मिनट हो जाएगा उसका, तो तब तक मैं ये स्कर्ब और क्लींजिंग भी हो जाएगा आपका स्किन में। आप देख सकते हो कच्चा दूध है इसमें, तो कच्चा दूध से तो आपका स्किन क्लींजिंग भी हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। गर्दन पे भी
देख सकते हो इस पे स्किन कितना ज़्यादा क्लीन होता है, बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा आपका स्किन इस पे क्लीन हो जाएगा। उसके बाद ये पैक आप जो मैं अभी रेडी करूँगी वो लगा लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैंने वो जो पोटैटो का जूस मैंने निकाला है उस जूस को मैं अप्लाई करूँगी। ये जूस के अंदर जो और भी एक चीज़ है उससे मैं पैक बनाऊँगी। आप ये पैक लगाओगे ना फ्रेंड्स तो आपको मैं एकदम 100% बोल रही हूँ पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ोगी। जाओगे मगर मंथ में या आ रहा है एक, मगर स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाती है, टाइट हो जाएगी स्किन में। और मैंने आप देख सकते हो ना मैंने सब जगह इसको अप्लाई कर लिया है। आई थिंक इसको मैं 5 या 6 मिनट रखूँगी, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने जो स्क्रब यूज़ किया था आलू एंड उसमें चीनी ऐड किया था और उसी को मैंने स्किन पे अप्लाई किया। आई थिंक मैंने 10 मिनट रखा, उसके बाद मैं ठंडे पानी से वॉश कर ली। अभी मेरा रिजल्ट आप स्किन पे देख सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब कुछ भी मैंने नहीं किया, बस वही स्क्रब यूज किया है आलू का। अब मैं इसके पैक बनाना बताती हूँ। आई थिंक 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं तो चलिए देखती हूँ। फ्रेंड्स आप देखिए तब तक मैंने थोड़ा सा एलोवेरा का ये जूस निकाल लिया है, रियल एलोवेरा प्लांट से निकाला है। ये देखिए एलोवेरा का जूस है, बस थोड़ा सा हाफ स्पून इसमें जूस होगा, इसको मैंने निकाल लिया है। अब चलिए देखती हूँ हमारा जो आलू का जूस मैंने जो रखा था वो 15 मिनट के बाद क्या उसका रिजल्ट आते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स नीचे कुछ बैठा हुआ है, कुछ जमा हुआ है, उसी को यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स बहुत सावधानी से मैं इसमें निकाल रही हूँ ताकि वो हमारा जो नीचे जो बैठा है ना स्टार्च वो ना जाए। आप देख सकते हो, देख लीजिए ये जो हमारा आलू का स्टार्च है ना यही मुझे लेना है। ये आलू के जूस हो गए, देख सकते हैं ये जूस मैंने निकाला और उसके जो स्टार्च नीचे जमे हुए हैं ना उस स्टार्च को मुझे यूज करना है। ये जो आलू का स्टार्च है ना आई थिंक के आपको मैं दिखा देती हूँ, कांच के बल्ब में है तो दिखेगा बहुत आसानी से। ये स्टार्च है इसके नीचे, इस स्टार्च को मुझे यूज करना है फेस पैक के लिए। बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे। फ्रेंड्स देखिए ये आलू का स्टार्च बिल्कुल जम चुका है। 15 से 20 मिनट आपको आलू का जूस निकाल के उसको ऐसे बल्ब में छोड़ देना है ढक के। और ये देख सकते हो ये जूस जो निकल चुका है मैंने निकाल के बाहर कर लिया है आलू का जूस, और ये उसके स्टार्च, इस स्टार्च से ही मैं फेस पैक रेडी करूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको इसमें ऐड किया जिसमें एलोवेरा जूस मैंने निकाला था। अब ये बेसन है तो बेसन मैं जितना मुझे फेस पैक में लगाना है उतना मैं ऐड करूँगी। आई थिंक ये मैंने 1 स्पून लिया था आलू का स्टार्च और बेसन। आपको आपके पास अवेलेबल हो तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो। इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, इसमें चावल का आटा यूज कर सकते हो। नींबू मैंने पहले से ऐड कर रखा है, नींबू हो गए बेसन, इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें 1 स्पून मैंने बेसन रखा हुआ था तो मैंने 1 स्पून ही ऐड किया है। और वो जो स्टार्च बने थे ना आई थिंक मेरा 1 स्पून ही स्टार्च होगा आलू का। और ये मेरा आलू का जूस है, इसको मैं एक डब्बे में भर के फ्रिज में रखूँगी क्योंकि इस जूस जो ये आलू के जूस है ना उसको फेस पैक में यूज करूँगी। जैसे गुलाब जल होते हैं रोज़ वाटर, जैसे हम लोग कच्चा दूध अप्लाई करते हैं फेस पैक के लिए, वैसे ही आलू का जूस के लिए मैं एक अलग पैक बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये पैक आप देख सकते हो, ये जो फेस पैक है ना इसमें आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बेसन ऐड किया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मेरे पूछ सकते हो। और ये जो आप पैक में आप जो लगाओगे, अगर 15 दिन में लगाना है या आप वीक में 1 बार लगाना है या वीक में 3 बार लगाना है तो आप लगा सकते हो।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और अगर आप ये फिर पैक लगा रहे हो कंटिन्यू, तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़ेगी और आपका स्किन टाइट, ग्लोइंग, वाइटनिंग रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने स्किन पे अप्लाई कर लेती हूँ और फिर आप लोग बताइएगा। मैं स्किन पे अप्लाई करके, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और न्यू होंगे तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा कि हाँ ये पैक कैसे रेडी करना। ब्राइडल मेकअप अगर करना चाहते हो, ब्राइडल के लिए अगर दुल्हन रेडी होना है, तो उससे पहले आप 1 मंथ आप ये अप्लाई करो, आपका स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका बहुत ग्लोइंग करेगा, इतना ज़्यादा ग्लोइंग करता है स्किन की मत पूछो। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं ये अप्लाई करती हूँ स्किन पे। आप देख सकते हो मैंने ये लगा लिया। अगर आईब्रो पे लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईब्रो पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नेक पर भी लगाया है, आप देख सकते हो। मैं ये 15 से 20 मिनट तक रखूँगी और ये पैक लगा के बोलना नहीं है, मगर मैं आप लोग को बता रही हूँ 15 से 20 मिनट तक मैं इसको अपने स्किन पे रखूँगी, जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। अगर सूख जाएगा तो आप इसको ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो, आपके पूरे चेहरे की गंदगी भी सफाई हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करेगा। और आप ये देख सकते हो, ये जो मैंने ये जो जूस बच गया है, पोटैटो का जूस जो ये बचा हुआ था, इसको मैंने ये जार में भर लिया है। इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी और जब भी मैं फेस पैक के रेडी करूंगी तो ये 2 चम्मच जूस में लगाऊंगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पे प्रेस करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट फेस पैक के साथ, नेक्स्ट ब्यूटी केयर के साथ। आई थिंक वो ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। वेल फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल नहा के आई हूँ और इसका रिजल्ट देखिए। मैंने अभी तक देख लीजिए, सिंदूर कुछ भी नहीं लगाया, बस नहाई हूँ और आपको मैं अपना स्किन का रिजल्ट दिखाने के लिए ये छोटी सी क्लिप की हूँ। आप देख सकते हो मेरे स्किन पे, जूम करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लो है। मैंने कुछ भी मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं किया है, बस जस्ट नहा के आई हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो स्किन कितना ज़्यादा ग्लोइंग करता है और बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और अब देख सकते हो मेरा स्किन काफ़ी अच्छा होता, कंटिन्यू यूज़ करिएगा तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है ये फेस पैक का। तो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।